दोस्तों, बॉलीवुड के स्टार आमिर खान की कोई भी मूवी आते ही मीडिया में छा जाती है, लेकिन 11 अगस्त को रिलीज होने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। और इसके साथ ही आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म को ना देखने पर जोरों शोरों से हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है। और मूवी के रिलीज होने से पहले लोग इतना ज्यादा क्यों नाराज है, इसके पीछे की क्या वजह है, चलिए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे का पूरा मामला। दोस्तों, 180 करोड़ में बनी लाल सिंह चड्ढा मूवी की शूटिंग तुर्की देश में भी की गई थी। साल 2020 में जब आमिर खान तुर्की में थे, तब वहाँ के राष्ट्रपति की वाइफ से आमिर खान ने मुलाकात की और उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति की वाइफ के साथ आमिर खान की फोटो जब ट्विटर पर आई, तब लोगों में हंगामा मच गया। क्योंकि दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बाद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की देश है, इससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। और इसके साथ ही आमिर खान के पुराने बयानों से भी लोग नाराज हैं। दोस्तों, शायद आप में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि आमिर खान ने एक शो में कहा था कि शिव जी की मूर्ति पर 20 रुपए का दूध चढ़ाने की बजाय किसी बच्चे को खाना खिला देना ज्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों, इसी बयान को लेकर अब लोगों का कहना है कि आमिर खान की मूवी देखने से अच्छा है गरीब बच्चे को खाना खिला देंगे। दोस्तों, वहीं करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी फिल्मों को मत देखो, कोई फोर्स नहीं करता है। दोस्तों, इसके साथ लोगों ने ये भी कहा कि आमिर खान ने पीके मूवी में हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचाया। और दोस्तों, दोनों लोगों के पुराने बयानों की वजह से लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट करने की मांग की गई। दोस्तों, अभी हाल ही में आमिर खान ने लोगों से अपील की लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट करने की मांग ना करें। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों को देखते हुए 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही लाल सिंह चड्ढा मूवी कैसा परफॉर्मेंस करती है, देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लाल सिंह चड्ढा मूवी 11 तारीख को कैसा परफॉर्मेंस करेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।